अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैपकट के अंदर आपने कैसे क्विकली अपनी वीडियोस को एडिट करना है, कैसे आपने शॉर्टकट्स अप्लाई करने हैं, कैसे आपने अपनी वीडियोस के अंदर क्विकली एडिटिंग का प्रोसेस लेके आना है। आज की वीडियो कैपकट के अंदर क्विक वीडियो एडिटिंग करने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको कुछ कैपकट की टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया और ये मेरे पास एक वीडियो है, इसको मैंने क्विक एडिट करना है या कोई और वीडियो फुटेज है उसको आपने क्विक एडिट करना है, तो कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे देखें आपने अननेसेसरी पार्ट्स या फिर इस तरह के जो गैप्स होते हैं उनको कट करना होता है, या आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको आपने कट करना होता है। तो क्या करते हैं आप, स्पेशली यहाँ पे आते हैं, सिलेक्ट करते हैं क्लिप को और इधर आके स्प्लिट करते हैं, ठीक है। या इसके अलावा आप क्या करते हैं, इधर आते हैं और ये स्प्लिट करते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से, तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये देखें यहाँ पे, अगर मैं इधर आता हूँ, मैं इस वीडियो पे इधर हूँ तो मैंने इसको कट करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली कुछ प्रेस किए बगैर कट कर सकता हूँ। ये देखें ये कट हो गया। कैसे किया है मैंने, शॉर्टकट की अप्लाई की हुई है, कौन सी, जो कि मुझे रिक्वायर्ड थी, जहाँ पे मैं इजीली वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ। कैसे करनी है, आपने क्या करना है, कोई भी शॉर्टकट की अप्लाई करने के लिए ऊपर आपको शॉर्टकट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इधर आना है, इधर आपको तमाम बटन्स और उनके शॉर्टकट मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे अनेबल बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अब ये देखें स्प्लिट है, मैंने स्प्लिट को जेड पे सेट किया है, आप कोई भी सेट कर सकते हैं। मैंने एक हाथ कीबोर्ड पे रखता हूं और दूसरे हाथ से माउस यूज करता हूं, तो जो लेफ्ट हैंड है उसको मैंने जेड पे ही हमेशा रखना होता है जब मैं वीडियो एडिटिंग करता हूं। फौरन जेड प्रेस किया, अननेसेसरी पार्ट को स्प्लिट किया। अगर आपने कोई और सेट करना है तो आप कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये जेड है, अगर मैं यहाँ पे एक्स लाना चाहता हूँ, क्लिक किया एक्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे सी लाना चाहता हूँ, जो आपको सही लगता है, मैं इसको जेड पे ही रहने देता हूँ। इसी तरह से ये आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये देखें आप इनको भी एक की पे सेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ ज़हन में रखनी है, जहाँ पे डबल बटन है उनको आप ध्यान से सेट कीजिएगा, और कुछ बटन ऐसे होते हैं कि वो रिपीट नहीं होते। अगर मैं किसी और जगह पे जेड लगाऊंगा तो वो जेड नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जेड लगाता हूँ तो जेड, वो देखें उसने मुझे एरर दे दिया है कि ये ऑलरेडी यूज है, तो ये इस तरह से काम नहीं होता। तो इसको आप सेट कर के यहां पे सेव कर दें, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने अपनी लैंडस्केप वीडियो को पोर्ट्रेट टिकटॉक की फॉर्म की वीडियो या रील की फॉर्म की वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना है बहुत ही क्विकली, कैसे करना है, आपने सिंपल वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो के अंदर बेसिक्स में आएंगे और यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो फ्रेम का, इस पे चेक करना है। तो रीफ्रेम जो है इस पे आएंगे और इसको यहाँ पे जो साइज आपको चाहिए 9x16 मैं इस पे क्लिक करता हूँ। और ये देखें यहाँ पे प्रोसेसिंग का अमल होगा, प्रोसेसिंग के अमल के बाद इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। ये देखें वीडियो टिकटॉक फॉर्म में फौरन आ चुकी है, कोई भी इसमें मुझे चेंज इतना खास नहीं करना पड़ा। इधर आएंगे मॉडिफाई के अंदर, जब आप इसको रेंडर करेंगे तो ये टिकटॉक पोर्ट्रेट फॉर्म में नहीं है क्योंकि अभी तक इसका फ्रेम जो है वो लैंडस्केप में ही है। आपने खाली यहाँ पे जगह पे क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करके मॉडिफाई पे आएंगे। और इधर आने के बाद ये देखें जो रेशियो है इसकी, इसको भी आप यहाँ पे 9x16 कर, तो इसके बाद ये देखें सेव करेंगे तो हमारी वीडियो अब पोर्ट्रेट हो गई है। जो इससे पहले थी वो भी मैं आपको दिखाता हूं, पहले इस तरह की थी, ठीक है। ये देखिए जो ब्लैक स्क्रीन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी फ्रेम एक्टिव है, वीडियो एडिटिंग यहाँ पे भी हो सकती है। इसके बाद जब भी आपने वीडियो पे काम करना है, एक और चीज़ आपने जहन पे रखनी है, जब भी वीडियो के अंदर आएंगे आपने उसके छोटे छोटे पार्ट कर लेने हैं, अप टू 30 सेकेंड या 1 मिनट। आपने उनको क्या करना है, क्यों पार्ट बनाने हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, अप टू 5 मिनट अगर ज़्यादा लंबी वीडियो है तो उसको इस तरह से सिलेक्ट करना है। बेसिक में आएंगे,
सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर वीडियो है तो ऑडियो में आएंगे, और ऑडियो के अंदर आने के बाद लाउडनेस, नॉइज रिडक्शन और वोकल आइसोलेशन, इन तमाम ऑप्शंस को लाजमी से अप्लाई करें। इससे क्या होगा, आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। जहाँ पे आपकी आवाज़ ज़्यादा है वहाँ पे स्मूथनेस आ जाएगी, और उसके बाद आपका नॉइज़ भी कम हो जाएगा और आपकी जो वोकल है, जो वॉइस है, वो क्लियर हो जाएगी और उसकी आवाज़ थोड़ी लाउड हो जाएगी। तो इन बेसिक चीज़ों को आप अप्लाई करें अपने वीडियो एडिटर के अंदर, तो आई होप इनका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये बहुत ही बेस्ट और मेन की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको शेयर किए हैं। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, और मेरी पिछली वीडियोज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखी, जो कैपकट की प्रॉपर सीरीज़ है वो मौजूद है, कैपकट की प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ पे जाएं, कंप्लीट वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।